लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से नसीहत और दिलों की बीमारियों की शिफा और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत आ पहुंची है। कह दो कि ये किताब अल्लाह के फजल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है, तो चाहिए कि लोग इससे खुश हों, ये उससे कहीं बेहतर है जो वो जमा करते हैं। कहो कि भला देखो तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो रिस्क नाजिल फरमाया तो तुमने उसमें से बास को हराम ठहराया और बास को हलाल। उनसे पूछो, क्या अल्लाह ने तुम्हें इसका हुक्म दिया है या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो? और जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं वो कयामत के दिन की निस्बत क्या ख्याल रखते हैं? बेशक अल्लाह लोगों पर मेहरबान है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और तुम जिस हाल में होते हो, या कुरान में से कुछ पढ़ते हो, या तुम लोग कोई और काम करते हो, जब उसमें मसरूफ होते हो तो हम तुम्हारे पास होते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार से कोई जर्रा भर भी चीज पोशीदा नहीं रहती, न जमीन में और न आसमान में, और न कोई चीज है उससे छोटी और न बड़ी मगर किताब रोशन में लिखी हुई है। सुन रखो कि जो अल्लाह के दोस्त हैं उनको न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे, यानी वो जो ईमान लाए और परहेजगार रहे, उनके लिए दुनिया की जिंदगी में भी बिशारत है और आखिरत में भी। अल्लाह की बातें बदलती नहीं, यही तो बड़ी कामयाबी है।